पूरे मध्य प्रदेश में अराजकता का वातावरण है। दो मासूम बच्चों की हत्याएं हो जाती हैं। जब उनकी उनका अपहरण हुआ था तब हमने एक आग्रह किया था कि जो मासूम बच्चों का अपहरण हुआ है वो सकुशल वापस लौटकर अपने घर पर आएं। माता पिता के केवल दो ही जुड़वा बच्चे थे, सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी रही और आखिरकार हुआ ये, हाथ पैर बांध कर क्रूरता पूर्वक उनकी हत्या कर दी गई। आज उनकी लाश मिली है और आज पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनर्गल बातें कर रही है। कमलनाथ जी ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी का झंडा उस गाड़ी में से मिला, अब इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना? आज हम कांग्रेस का झंडा अपनी गाड़ी में लगा लें, इससे क्या प्रमाणित होता है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो बच्चे सकुशल लौटकर क्यों नहीं आए? अगर कोई भी उसके पीछे दोषी है आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? हत्यारे अभी तक क्यों फरार है? और इसीलिए ये नाकामी है, ये निकम्मापन है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का। भारतीय जनता पार्टी इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।